तौबा है भाई तौबा है। बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया, किस कदर शोर है पटाखों का। वो भला बताओ शबरात में हुई मुसीबत हो गई। तो माफ करना, तुम्हारा बेटा इंतजामों में सबसे आगे है। अरे शनाज बजी मैं क्या करूँ, सारी जेब खर्ची इन पटाखों पर उड़ा कर आगे। वो भला बताओ शबरात है, नहाओ धोए इबादत करो कब्रिस्तान जाओ, से दफा करो। हलवा तो खाओ बड़े मजे का बनाया है मैंने। अरे शहनाज बाजी हलवा खा खा के तो दिल भर गया, अच्छी सी चाय पिला दे। अरे न्यास का है, चक तो लो चाय भी पिला दूंगी। अम्मा मेरी फूलझड़ी खत्म हो रही है, दूसरी ला दे। कोई फूलझड़ी अब नहीं रही। अच्छा अब बंद करो ये खेल और तस्बीह लो, बैठो मेरे साथ इबादत करो। दो रखी हुई बावर्ची खाने में। कोई नहीं रखी हुई, खत्म हो गई, ज्यादा जिद ना किया करो। अच्छा खाओ ना। नगमा नगमा आशीष भाई ना अनार लेकर आए और वो गली में जलाने वाले, आजो चलते हैं, आजो चलो चलते हैं। चलो अम्मा मैं आती हूँ। देखो कहीं चोट ना लगा लेना और जरा दूर से ही देखना। अच्छा चलो वहीं किचन में चाय भी बना लेते हैं, बातें भी करेंगे। चले मुझे भी दो ना प्लीज। देखो नगमा मेरे पास सारे छोटे बड़ा के खत्म हो गए, फिर एक ही रानी को बाकी है मेरे पास। हाँ तो कोई बात नहीं, यही दे दो। तुम्हें तो पता है अम्मा भी मुझे पटाखे नहीं देती है प्लीज। अच्छा चलो ये लो, ये माचा ख्याल से अपने फेस से दूर रखना। अम्मा अम्मा मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? सादिया के घर जा रही हूँ। बेटा खाना तो खा ले। वो भी उसके साथ ही खाऊंगी। अच्छा चल जैसे तेरी मर्जी, ख्याल से जाना। अच्छा अस्सलाम वालेकुम शनाजा जी। वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ साहिदा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है खैरियत से? अरे बेटा इतने तैयार होके कहाँ जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम खाला, आपके घर ही जा रही थी। सादिया ने रात को बताया था कि वो कड़ी बनाएगी, खाना उसके साथ ही खाऊंगी। हाँ कड़ी तो वो बना रही है, लेकिन बेटा बाहर निकलते वक्त तेरे चेहरे को ढक के निकलना, ऐसा ना हो किसी की नजर लग जाए। अरे नहीं मेरी बच्ची को किसी की नजर नहीं लग सकती, मैं रोज उसकी नजर उतारती हूँ। जाओ बेटा जाओ, तो जाओ शाबाश। बैठो साजदा, बैठे आप भी बैठे बैठे। अरे आपा वो ये पहले किसी दर्जी से कपड़े सिलवाती हूँ मैंने। अच्छा। आपका बताया तो आप अपना कुछ ला के सिला दिखा दे जरा। अच्छा अच्छा मैंने जो भी नया सिया है ना। हाँ। वो मैं ला के दिखाती हूँ, आप बैठे। लेकिन फायदा आपा उसकी बेटी के चेहरे पर तो इतनी निशानी, और आप उसे कैसे कह रहे थे कि वो इतनी हसीन है? शहनाज आपा ने कभी उसका एहसास नहीं दिया कि नाबीना होने के साथ साथ उसके चेहरे पे जो निशान होते हैं कभी उसका एहसास से कमतरी ना हो जाए। इसका मतलब कि नगमा को पता ही नहीं कि वो तो हमने कभी एहसास सुन ही नहीं दिया। और अगर पता चल गया तो? ये लो ये देखो ये है वो कमीज। बहुत ही खूबसूरत है शनाजा जी, बस मैं थोड़ी देर में बच्चे के हाथ में ही कपड़े भिजवाती हूँ, आप यही डिजाइन बना दीजिएगा। ठीक है नाप जरूर भिजवाना। अच्छा अच्छा शनाज भाई चलते हैं। अरे चाय वगैरह पी के जाओ। अरे नहीं बस फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ जरूर चलूंगी, याद से अपने साथ ले जाना, परसों की तरह ना इंतजार मत करवाती रहना। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मामू आ गए थे घर पे। चाहे डराओ मेरी बात गौर से सुनना, शोहर खूबसूरत हैंडसम और गोरा चिट्टा होना चाहिए। वैसे मैं कौन सी गोरी चिट्ठी हूँ जो गोरा चिट्टा शोहर ढूंढो। और वैसे नुमान ना अम्मी और मामू की पसंद है, अपना घर है अच्छा कमाता है। बाहर है फूल तो कोई लंगूरी पसंद करेगा। जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। अच्छा अच्छा नाराज मत होना, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात से कायल कि शोहर खूबसूरत ही होना चाहिए। कोई तुम्हारी तरह खूबसूरत होना तो खूबसूरत शोहर मिल ही जाता है। मैं तो ये कहती हूँ कि शोहर खूबसूरत हो ना हो बस प्यार करने वाला और पुरखलूस होना चाहिए।
ये कौन गा रहा है? वो पिछली गली में एक साहब शिफ्ट हुए हैं, सुना है कि वो रेडियो में काम करते हैं, रोज उसी के घर से यही आवाज आती है। अच्छा चलो करीब से जाके सुनते हैं। पागल हो क्या? पागल होने वाली कौन सी बात है? अरे मैं नहीं जाऊँ, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा और क्या कहेगा? कौन क्या कहेगा? तुम गाना सुनने जा रहे, डांस देखने थोड़ी जा रहे, चलो मेरे साथ। तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। नगमा क्या गुनगुना रही है बेटा? अम्मा वो सादिया है ना, उसकी पिछली गली में ना रेडियो का आर्टिस्ट आया हुआ था, वो ये गाना गा रहा था, बहुत अच्छी आवाज है उसकी। अच्छा अम्मा। अम्मा मैं उससे गाना सीखना चाहती हूँ। क्या तू गाना सीखेगी? हाँ अम्मा। क्या करोगी तुम गाना सीख? क्या क्या करूँ अम्मा, खाना मैं पका नहीं सकती, सिलाई मैं कर नहीं सकती, एक यही काम है जो मैं कर सकती हूँ जिसमें आंखों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा बस कर, क्यों ऐसी बातें करके मेरा जी जलाती? अच्छा ठीक है, नहीं करती मैं ऐसी बातें। नाराज हो गई? अच्छा बताओ क्या बता रही थी? हैं? कुछ नहीं। चल बता क्या करना है बोल। कुछ नहीं अम्मा। अच्छा बस ना, बता कौन है वो रेडियो वाला, कहाँ रहता है, कहाँ चलना है बोल। अम्मा वो बहुत अच्छा गाना गाता है, तुम भी अगर उसकी आवाज सुनो तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी, जादू है उसकी आवाज में। जादू तो मेरी बेटी की आवाज में भी है। वो तो सब कहते हैं, मगर ये तो कोई माहिर ही बता सकता है। माहिर? अब तेरे लिए माहिर कहाँ से लाऊं भाई? तो बताओ कब से तो मैं गुनगा रही हूँ रेडियो के आर्टिस्ट की, और तुम कह रही हो कौन माँ है? भाई अपनी बेटी को गाते हुए तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन किसी के गुण गाते हुए आज पहली बार सुन रही। अम्मा अम्मा तुम मुझे ले चलोगी ना उसके पास? हाँ लेकिन पहले खुद जाके देखूंगी कि वो कौन है कैसा है। अम्मा हमारे माशरे में गाने वाली लड़कियों को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। अजीब दुनिया है अम्मा, मर्द जो चाहे करे, औरत के हर काम पर पाबंदी है। और वैसे तुम्हें दुनिया वालों की फिक्र कब से होने लगी? जवान बेटी की माँ हूँ बेटा। भला बताओ तुमने जो बचपन से सिखाती रही कि दुनिया वालों की परवाह नहीं करना, और आज तुम खुद दुनिया वालों की बातों में आ गई। मेरी नकल उतार रही है, शर्म नहीं आती?
आती है, मगर तुम्हारी नकल उतारने में मुझे बहुत मजा आता है। क्षमा बताओ ना, मुझे ले चलोगी ना उसके पास? हाँ हाँ, कह जो दिया के लेके चलूंगी। पहले मैं खुद जाके देखूं, इत्मीनान कर लूं कि वो कैसा आदमी है, कहाँ रहता है, क्या करता है, फिर ले चलूंगी तुझे। अम्मा तुम ना इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो। अच्छा, कभी कभी बस बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक बार उसका गाना तो सुन लो। खाला, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। कल मैं रेडियो स्टेशन से जो 5 बजे वापस आऊंगा, आप उसे लेंगे। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी बेटा, बड़े चाव से पाला है मैंने उसे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका दिल टूटे। जब वो 3 साल की थी तो उसके वालिद हमें इस दुनिया में छोड़कर चले गए, और अभी जवान भी नहीं हो पाई थी तो मैं आंखों से महरूम। बस मैं ये चाहती हूँ कि उसे इस महरूमी का एहसास हो। आप चाहती हैं मैं झूठ बोलूं? नहीं, वो देखो बेटा, अगर किसी का दिल रखने में झूठ भी बोलना पड़े तो क्या हर्ज है? ठीक है, आप उसे कर ले, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, जीते रहो। अच्छा, मुझे इजाजत दो। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। नगमा, तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत और सुरीली है, लेकिन कभी कोई टैलेंट या शौक के बुनियाद पे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सका। उसी तरह अच्छा गुलकार बनने के लिए आपको आपको सीखना पड़ेगा। जी। आपको पता सुरीला किसे कहते हैं? जी नहीं। जो अपनी आवाज को बाजे की आवाज के साथ सुर में लेके आए, जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब मरहूम थे। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी तो पूरी दुनिया ही फैन थी, बहुत बड़े नाम पैदा किए उन्होंने। अगर आप मेरी मदद करें तो उनमें से एक नाम मेरा भी हो सकता है। चलो, अपनी आवाज बाजे की आवाज के साथ मिलाओ और गौर से सुनना। मुझे भी गाना गाने का शौक हो गया। मैं आतिफ असलम के गाने गाता हूँ।
आबिद, अगर तुम यहाँ खामोशी से नहीं बैठ सकते तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जी सर। नगमा, आपके रियाज के लिए बाजे के साथ मुतारिफ होना बहुत जरूरी है, इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा बाजे के बारे में। अपना हाथ लाइए। ये पियानो है ना? आपने पियानो कहाँ देखा? मेरा मतलब है कि जी वो जब मैं स्कूल में थी तो पियानो था वहाँ पे, इसलिए मुझे अंदाजा है। हो, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो और भी आसानी हो गई। हाथ लाइए। ये है आपका पहला सरगम। अपनी आवाज को इसके साथ मैच कीजिए। सा रे चला ओ हम से सनम क्या पर्दा, ओ हम से सनम क्या पर्दा, वो आज का नहीं मैं, ये संग है बहुत चला वो हमसे सुन क्या करेगा, वो हमसे सुन क्या करेगा। अरे वाह वाह नगमा, किस कदर खूबसूरत गाना गाया तुमने है। फिर आज से पहले तो तुम्हारी आवाज में इतना कोई सुरताल था नहीं, जादू था तुम्हारी आवाज में इस वक्त। अम्मा, ये सब सर की मोहब्बत का नतीजा है और तुम्हारी लगन। आज तुम जल्दी नहीं आ गई? अम्मा वो सर को किसी फंक्शन में जाना था इसलिए जल्दी आ गई। अच्छा, खाना लगा दो, हाथ धो के आ जाओ। अम्मा एक बात कहूँ? हाँ कहो। वो अगर तुम इजाजत दो तो मैं सर के साथ फंक्शन में गाना गा लूं। नगमा, मेरे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी मत करो बेटा। अम्मा तुम खुद ही तो कह रही थी कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, और फिर मेरे और सर की मेहनत और लगन का क्या फायदा अगर लोग मेरी आवाज ही ना सुन सके। देखो बेटा, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तुम मेरी कुल कायनात हो। मुझसे उन चीजों की फरमाइश मत करो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। हमारे माशरे में गाने वाली लड़कियों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, उनका ब्याह नहीं होता। मैं तुम्हें घर में बिठा नहीं सकती। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी आंखें बंद होने से पहले। क्या का रास्ता है माँ, तुम कौन सी बात कहाँ पे जोड़ देती हो? मैंने नहीं जोड़ी बेटा, ये दुनिया है, इसमें इंसान के बनाए हुए उसूलों पर चलना पड़ता है। हम पैदा होते हैं और इंसानों के बनाए हुए उसूलों पर चलते हैं और मर जाते हैं, और जो इन उसूलों को तोड़ता है
सो सजा मिलती है। जैसे मुझे, मैंने तुम्हारे पापा से शादी की और उस गुनाह की सजा आज तक भुगत रही। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसा गुनाह करो कि तुम्हारी जिंदगी भी सजा बन जाए। अम्मा मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ मैं। बस अब तुम नाराज हो जाओगी, खाना नहीं खाओगी, है ना? मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही अम्मा। मेरे तो नसीब खराब है। अब तुम फजूल में अपने आप को कोसने लग जाओगी। तो और किसे कोसूं? सारी दुनिया से तुम्हारे लिए जंग लड़ूं, फिर तुमसे भी लड़ूं। अब मैं तो हो गई ना अकेली। और अकेला आदमी अपने नसीब को नहीं कोसेगा तो और क्या करेगा? और इन तमाम लड़ाइयों के बाद सोएगा भी भूखा। अच्छा ना, हाथ मुंह धो लेती हूँ मैं, तुम खाना लगा लो। अभी लगाती हूँ। लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले। आज ही करूंगा, मैं आता हूं। मैं उनसे आज ही बात करूंगा। सर हाजिर है जनाब। हाँ ले आओ चाय। नगमा चाय।
आपके अरिश्तान में नहीं। मेरे रवैये से आपको ऐसा लगता है कि मैं पछताने वाली लड़की हूँ? मेरे नाबीना होने पर शायद अम्मा को अफसोस हो, लेकिन वो लोग जो नाबीना नहीं है उनसे ज्यादा गहरी निगाह से इस दुनिया को देख सकती हूँ। अपने तुम्हारी इसी जिंदगी ने तुम्हें घायल किया। देखा, हमारे होने वाले शौहर भी घायल हो गए। देखो भाई, असद कितना अच्छा बच्चा है, गरम गरम चपातियां और टिक्का लेके आया है। अच्छा ये बताओ, बाजार गया था तुम लोगों के साथ? हाँ गया था, और मुझे जमाल को रिक्शे में अकेला छोड़ के खुद चला गया, ये कहकर कि वो हमें देखकर जेलस नहीं होना चाहता। अच्छे दोस्तों की यही निशानी होती है, उसने सोचा होगा कि तुम दोनों को तन्हाई में मौका दे बात करने का। पागल को ये नहीं पता कि चार दिन बाद तुम्हें उसी घर में जाना है। क्या मतलब है अम्मा, मुझे उस घर में जाना है? आपने जमाल से बात नहीं की? की थी बेटा बात, लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, जबकि मैंने उससे कहा था कि तुम किराए के घर में रहते हो और ये हमारा अपना घर है, और मेरे बात तो ये तुम्हारा ही होगा। लेकिन दामाद जी के अना का मसला बीच में अड़े आ गया। अम्मा, मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, कैसे रहेंगे आप अकेले? तुम कौन सा अमरीका जा रही हो? अरे पिछली गली में तो होगी, कभी तुम मेरे पास आ जाना, कभी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर भी अम्मा, रात रात कोई मसला हो गया तो आप? कुछ नहीं होता, तुम फिक्र नहीं करो। कैसे ना फिक्र करूँ अम्मा, सारे मसले मसाले आपके लिए है क्या? अरे मेरी बिटिया अब बड़ी हो गई है। बेटा, जब तुम्हारे बाबा इंतकाल कर गए थे तो तुम बहुत छोटी थी, उस वक्त भी तो मसले मसाइल मैंने ही हल किए थे ना। फिर अब क्या, तुझे याद है एक दफा तू बीमार हो गई थी, तुझे उल्टियां हो रही थी, आधी रात को लेके भागी थी मैं तुझे डॉक्टर के पास। क्या माँ, आप उस वक्त बीमार तो नहीं थी ना? बस बेटा, कुछ भी नहीं होगा, दामाद के अना का मसला है। मैं जमाल से बात करूंगी। नहीं, उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, नाराज हो जाए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है अम्मा, मैं जमाल से बात करूंगी आपके लिए। अच्छा ठीक है, बात करके देख लो तुम। ठीक है, फिर मैं अभी जाके जमाल से बात करती हूँ। अरे इस वक्त कहाँ जा रही है? बहुत अंधेरा हो गया है बेटा, इस वक्त कहीं जाने की जरूरत नहीं। अम्मा चली जाऊंगी ना, कौन सा पहली दफा जा रही हूँ मैं। अरे बेटा, अम्मा वो आबिद नहीं है, उसको साथ ले चलूंगी मैं। अब खाना आके खा लूंगी अम्मा। अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो अभी अभी तो आए हो। नगमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जमाल,
जमाल, ये क्या है? ये वही है, तुम समझ रही हो। ये तो लकड़ी की टांग है, किसकी है ये? मेरी। एक हादसे में मेरी बाई टांग जाया हो गई थी। तुमसे बात छुपाई? तुम मुझसे झूठ बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। इसमें बताने वाली क्या बात? क्या जरूरत थी बताने की? मैं सोचा कि एक अंधी लड़की है, इसे क्या पता चलेगा? और अगर पता चल भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जमाल साहब, तो बिल्कुल गलत सोचा मेरे बारे में। नगमा इतनी कमजोर नहीं है, कोई भी अरा घर आए और उसे बेवकूफ बना के चला जाए। नगमा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो ठीक है, आप मुझे वो समझा दीजिए ना, क्या मकसद था आपका? आप जैसे माजूर लोग होते हैं जो खुद तो एहसास कमजोरी में मुबतला होते हैं और उसको छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और सामने वाले को भी अपने जैसे ही समझते हैं। मुझे समझ आया जमाल साहब, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए इतना क्यों इशरार कर रहे थे? मगर मैंने अपनी माजूरी की वजह से आप जैसे माजूर इंसान से शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा। ना ही मैं अपनी माजूरी की वजह से एहसास कंपनी में मुबतला हूँ, समझा? नखमा, मेरी बात तो सुनो। जमाल, पहुंची ना बिल्कुल ठेस, मैं जा रही हूँ यहाँ से अपनी माजूरी का काम मिटाने के लिए किसी महरूमियों से भरे हुए घर को ढूंढ लेना। नगमा, मेरी बात तो सुनो। नगमा, मेरी बात तो सुनो। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। अरे अकेली आई हो, तू छोड़ने नहीं आया? कौन है? मैं हूँ खाला, जमाल। आवाओ बेटा, अंदर आ जाओ। अम्मा, इनसे कहें कि ये वापस चले जाएं, मुझे इनकी कोई बात नहीं सुननी। क्यों, क्या हुआ? लगता है आपकी बेटी को मेरी लकड़ी की टांग हजम नहीं हुई। क्या मतलब? मेरी इस कमजोरी की वजह से इन्होंने शादी से इनकार कर दिया और इनका ये ख्याल है कि मेरी इस माजूरी की वजह से मैंने इनको कबूल किया। लेकिन ऐसा नहीं है नगमा साहिबा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, बल्कि आप तो खुशफहमी का शिकार हैं। वो जमाल, आप बीच में मत आइएगा खाला, मैं चाहता हूं कि ये हकीकत जाने। इनको पता होना चाहिए कि इनकी असलियत क्या है। आप सिर्फ नाबीना ही नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर कई जख्म के निशान हैं, जिसका खाला ने आपको आज तक नहीं पता चलने दिया। आपको क्या लगता है कि आपकी खूबसूरती की वजह से मैंने आपसे शादी का इरादा किया था? नहीं नगमा साहिबा, मैं तो आपकी शख्सियत से मुतासिर था, मगर आप, आंखें ना होने के बावजूद आपने मेरी जाहिरी हालत को तरजीह दी। मैं माजरे चाहता हूं खाला, जो बात आपने अपनी बेटी से इतने सालों से छुपा के रखी मैंने बता दी, लेकिन मैं समझता हूं इसी में इनकी बेहतरी है। अम्मा, ये क्या कह रहा था वो बेटा? अम्मा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? खुदा के लिए मुझे माफ कर दो बेटा, तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे झूठ बोल रही थी? नहीं सुन लूंगी तुम्हारी बात। तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। नगमा, मेरी बात सुनो। नगमा, मेरी बात तो सुन लो। मुझे कोई बात नहीं सुननी अम्मा तुम्हारी। मैं तुम्हें बताती हूँ नगमा। अम्मा, तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। खुदा की मेरी बात सुनो मेरी बच्ची।
मेरी बात सुनो नगमा, मेरी बात सुनो बेटा। मुझे नगमा, मुझे अकेला छोड़ दे अम्मा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा, नगमा। मेरी बात नगमा, 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 नगमा कहाँ चली गई? नगमा, बहुत बड़ी गलती हो गई जमा, आपने मुझे माफ कर दिया। तुमने अपनी गलती तस्लीम कर ली, बस इतना ही काफी था। बाप